अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरा इफ्तिखार। आप सब कैसे हैं? आप सब लोगों ने मेरी पहली वीडियो तो देखी होगी, मैंने डाली थी अपनी शादी की वीडियो। जिन्होंने नहीं देखी है तो वो देख लें जाकर। उस पर मैंने अपनी शादी की वीडियो इसलिए डाली थी ताकि सब आप लोग मुझसे थोड़ा सा मतलब जान लें, थोड़ा पहचान लें, मुझे देख लें, मेरे शौहर को देख लें। क्योंकि अब मेरी फैमिली का आप लोग भी, एक मेरी छोटी सी फैमिली का आप लोग भी हिस्सा बनने वाले हैं, तो आई थॉट कि पहले मैं अपनी शादी की वीडियो डालती हूँ, उसके बाद फिर सोचेंगे कि क्या करना है, नेक्स्ट ईयर करना है। तो अभी मैं सोच ही रही थी 2-3 दिन से कि क्या वीडियो डालूं, जब मैं बात करूं आप लोगों से तो क्या किस बारे में बात करूं। तो मेरी एक दोस्त होती है, उसने मुझे आइडिया दिया कि क्योंकि हम लोग एक प्लस साइज़ लड़कियां हैं तो उसके ऊपर बात करो तुम, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम मतलब लोगों ने फेस की होगी कि बॉडी शेमिंग, टैग लगा देते हैं, कॉमेंट पास करते हैं, तो उस बारे में बात करो। तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं, गपशप करनी है तो इसी बारे में स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी पूरी लाइफ, अपनी 30 साल की ज़िंदगी में, मैं जब से मुझे याद है मैं गुलमटोली हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा कह लें गुड लक है, या मेरा, मैं इतनी फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे कभी कोई कमेंट, कोई स्टेटमेंट, कोई टैग नहीं मिला अपनी पूरी लाइफ में मेरे साइज़ को लेके, जबकि मैं अच्छी खासी गोलमटोल हूँ। पर ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे जिनको कोई ना कोई टैग ज़रूर मिलता होगा, कोई बैड कमेंट, बॉडी शेमिंग लोग करते ही हैं, आदत होती है लोगों की करना। तो ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये फेस करते हैं, इसी वजह से उनमें से एक ने मुझे ये चीज़ बोली कि इस बारे में बात करूँ। तो अब क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या फील होता होगा आप लोगों को जो ये फेस करते होंगे, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की। मैं किसी जेंडर को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके नहीं बोली, लड़के भी फेस करते होंगे, लड़कियां तो करती करती हैं पर लड़के भी फेस करते होंगे। तो अब वो क्या फीलिंग होती है वो मैं नहीं समझ सकती, आई एम सो सॉरी। बट हाँ, मैं ये आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ अपने तरफ से कि कॉन्फिडेंट रहो यार, लोग बोलते हैं, बोलने दो लोगों को, लोगों के बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे, खाओ पियो मौजे करो। लोग किसी ना किसी चीज़ के ऊपर स्टेटमेंट पास करते हैं, अगर आप पतले हो जाओगे तो भी पास करेंगे। तो उस बारे में सोचना छोड़ दो कि यार मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे मोटापे को लेके लोग क्या बोलेंगे, या मुझे जज करेंगे, या मेरे ऊपर कपड़े जो हैं वो सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप कॉन्फिडेंट रहो, सब सूट करेगा यार। मैं भी सारे फैशन करती हूँ, इसी साइज़ में मैं करती हूँ सारे फैशन। अब सूट करता ही नहीं करता वो तो दूसरा देखने वाला जाने, पर मैं अपने आप को खुश रखती हूँ, मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ। मुझे अपने आप को खुश करना होता है, बाकी दूसरे लोगों को मुझे खुश नहीं करना होता, ना मैं उनको खुश करने के लिए उस दुनिया में आई हूँ यार। तो इसलिए उस बारे में मेरे ख्याल से सोचना छोड़ देना इंसान, तो आधी टेंशन वहीं ख़त्म हो जाती है। तो उस बारे में सोचो मत। हाँ, अलबत्ता जो लोग बोलते हैं उन लोगों से मैं बोलना चाहूँगी कि यार आप लोग क्यों बोलते हो, मुझे कमेंट्स में बताओ। मुझे पता है कि अभी जो जो ये वीडियो देखेगा वो मेरे कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे अल्फाज लिख देगा, जिनको शौक होता है बॉडी शेमिंग का। तो अब शायद मैं चैनल मैंने बना लिया तो मुझे फेस करनी पड़े बॉडी शेमिंग, जो मैंने पूरी लाइफ में नहीं करी तो कोई नहीं करेंगे, ये भी फेस करेंगे शायद, तब मुझे फील हो कि क्या होता है जब बॉडी शेम किया जाता है लोगों को, तो मैं शायद वो फीलिंग समझ सकूँ, फिर मैं भी शेयर करूँ दोबारा। तो अब मैंने जब ये चैनल बनाया तो अब मैंने इस टॉपिक पे गपशप लगाई आप लोगों के साथ। तो अब जब आप लोग ये वीडियो देखो और आप लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करो मुझसे, तो आप लोग बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप लोग फेस करते हो डेली अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर, जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, तो हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। और जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है तो यार वो बताओ कि क्या प्रॉब्लम होती है यार लोगों के मोटापे से, पतले होने से, गोरे होने से, काले होने से, क्या प्रॉब्लम होती है यार। ये मेरी बेटी बोली, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मैं आके ड्राइंग रूम में छुप के बैठ के बात कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। तो मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, अपनी राय दीजिएगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर माई चैनल, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है? लव यू, बाय।